हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रत्ना और रत्ना की रसोई में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों के बीच एक बार फिर से जुड़ रही हूँ और मेरी पूर्णतः यह कोशिश रहेगी कि अब आपसे ज़्यादा दूर ना रहूँ। आज इस रेसिपी में बताने वाली हूँ कि मोमोज़ और उसकी चटनी हम कैसे तैयार करेंगे, और मोमोज़ को मैं इसमें कुकर में बना के आपको दिखाने वाली हूँ ताकि आपके लिए और भी ईजी हो जाए मोमोज़ को तैयार करना। और साथ ही बता रही हूँ कि इसकी चटनी हम कैसे तैयार करेंगे, तो एक कंप्लीट रेसिपी है ये। आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। मोमोज़ बनाने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 200 ग्राम पनीर। आज हम मोमोज़ पनीर तैयार करेंगे और ये होममेड पनीर है। अगर आपको पनीर की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं। पनीर को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से तोड़ लिया है, या फिर पनीर को आप कद्दूकस करके भी रेडी कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे 2 बड़ा साइज़ प्याज, और इसे भी मैंने अच्छी तरह से बारीक काटा है और बारीक काट करके रख लिया है। मोमोज़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है मैदा 200 ग्राम, और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक छोटा गाजर भी, जिसे कद्दूकस कर लिया है। 12 से 15 लहसुन की कलियाँ, इसे भी मैंने कद्दूकस करके ही बारीक किया है। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक करके काट भी सकते हैं। और ये मिर्च स्वाद के अनुसार ले, हरी मिर्च मैंने यहाँ पर लिया है 5 से 6 मिर्च, और अदरक का ये टुकड़ा 1/2 इंच का मैंने बिल्कुल बारीक काट करके रख लिया है, और थोड़ा सा धनिया का पत्ता। नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, और 1 चम्मच तेल। अब हम सबसे पहले मैदा को गूंथ कर रेडी कर लेते हैं। इसे हम ना तो ज़्यादा टाइट गूंथेंगे और ना ही ज़्यादा गीला, मीडियम रखेंगे इसे, सॉफ्ट। इसे गूंथकर हम इसे ढककर कपड़े से, और जब तक आगे की तैयारी करेंगे इसे ढककर इसी तरह से छोड़ देंगे। तब तक ये फूलकर और भी अच्छा हो जाएगा हमारा आटा। तो इसे रख देती हूँ और चलते हैं अगले स्टेप पे। एक कढ़ाई में 1 से 1.5 चम्मच तेल रखेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ ये लहसुन, और इसके बाद इसी में अदरक भी डाल लेते हैं, हरी मिर्च भी डालेंगे, और कुछ देर बस इसे भूनेंगे, कुछ सेकेंड्स, और उसके बाद इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ ये प्याज। प्याज को हल्का फुल्का चलाकर, और साथ ही हम इसमें डालेंगे गाजर जो हमने क्रश करके रखा हुआ है। अब इसे हम इतना भूनेंगे कि बस इसका कच्चापन बस निकल जाए, ये गले नहीं। तो मैंने इसे भून लिया है, अब मैंने गैस को बंद कर दिया। इसमें धनिया की पत्तियाँ डाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसमें पनीर को और नमक को ऐड करेंगे। पनीर मोमोज में प्याज ज़्यादा पड़ता है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने यहाँ पर प्याज ज़्यादा डाला था, और गाजर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये ठंडा हो गया है, अब इसमें हम डाल लेते हैं ये पनीर, और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये पनीर मोमोज़ बनने के लिए स्टफिंग तैयार है। अब चलते हैं मैदा की तरफ। ये मैदा फूलकर बहुत ही सॉफ्ट हो गया है अच्छी तरह से। अब इसमें ज़रा सा ऑयल डालेंगे, या हाथ में लगा लेंगे, और इसे थोड़ा सा मिला लेंगे ताकि और भी सॉफ्ट हमारा ये आटा बन जाए। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट हमारा तैयार हो गया है ये। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेंगे इस तरह से, और पतली पतली पूरियों को बेलकर तैयार कर लेंगे। मोमोज़ का जो पूरी है वो एकदम पतला बेला जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। इस तरह से पतला पूरी हमें बेलना है, छोटा छोटा। और अब मैं इसमें स्टफिंग भर के दिखाती हूँ आपको, और किस तरह से हम इसे तैयार करेंगे। इसमें 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग डालेंगे, या जितनी बड़ी आपकी पूरी है जितना उसमें आ सके। और अच्छी तरह से चिपकने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं साइड से, और इस तरह से हमें इसे फोल्ड करते जाना है। ये देखिए इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हो गया हमारा पहला मोमो तैयार, और डिज़ाइन भी अच्छा है। ये देखिए, अब
इसी तरह से दूसरी बार फिर से करके दिखाती हूँ आपको, इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, बहुत आसान है, आप एक बार करके देखें, बहुत इजी लगेगा आपको। ये भी तैयार हो गया। एक डिज़ाइन मैं और बताती हूँ आपको, जो कि इससे भी आसान आपको लगेगा। पूरी में हम स्टफिंग को डालेंगे और इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे हम किनारों को, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम साड़ी पहनते हैं और प्लेटी को बिठाते जाते हैं, ठीक वैसे ही। ये देखिए इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे और बीच में लाकर थोड़ा सा हम इसे मूव करेंगे, घुमाएंगे और एक अंगुली से इस तरह से बीच में प्रेस कर देंगे। है ना ये डिज़ाइन आसान। चलिए एक डिज़ाइन में और आपको बताती हूँ जो बहुत ही ईजी है। इस तरह से पूरी में हम स्टफिंग डालेंगे और इस तरह से सिर्फ चिपका लेंगे सभी को, और दोनों किनारों को इस तरह से एक पर एक डालकर प्रेस कर देंगे, चिपका देंगे और ये मोमो तैयार। तो इसी तरह से हम सभी मोमोज़ को तैयार कर लेंगे बनाकर। और अब चलते हैं इसे स्टीम करने की तरफ। तो एक प्लेट में मैंने थोड़ा सा ऑयल रखा है और इसे ग्रीस कर लिया, चारों तरफ फैला लिया और इसी में हम सभी मोमोज़ को डाल लेंगे। अब एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें आधा कप पानी डालना है मैंने। पानी बस इतना डालना है कि बस स्टीम तैयार हो जाए, ज़्यादा पानी ना डालें। और इसमें एक बड़ा कटोरी डाल लिया मैंने। कटोरी अगर इतनी बड़ी है कि उसी में सारा मोमोज़ आ जाए तो कटोरी में ही डाल लें, अदरवाइज़ इसके ऊपर एक प्लेट डालकर और प्लेट में मोमोज़ रख सकते हैं। तो मेरे पास इससे बड़ा कटोरी नहीं था तो मैंने प्लेट में मोमोज़ को डालकर इसमें डाला है और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया। गैस को ऑन कर लेंगे हम, और गैस को ऑन करने के बाद फ्लेम हम रखेंगे मीडियम टू लो, और अब हम इसमें सीटी आने तक इसे स्टीम होने देंगे। एक सीटी और लगाऊंगी मैं, क्योंकि मैंने प्लेट के ऊपर मोमोज रखा था इसलिए मैंने दो सीटी लगाया। अगर कटोरी के अंदर आप मोमोज रखते हैं तो एक सीटी में गैस को बंद कर देंगे और इसमें स्टीम निकलने देंगे अच्छी तरह से। स्टीम निकल गया है और अब इसे हम खोल लेते हैं। तो ये स्टीम मोमोज हमारा बनकर तैयार है फ्रेंड्स, और बहुत ही टेस्टी मोमोज हमारा तैयार हुआ है। इसे सावधानी से निकाल लेंगे और गर्मा गर्म रेड हॉट चिली चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो अब बताती हूँ मैं मोमोज चटनी बनाने का तरीका। ये यहाँ पर मैंने दो बिल्कुल लाल टमाटर लिया है और 15 से 20 तीखी वाली सूखी लाल मिर्च, 15 से 20 लहसुन की कलियाँ इसे मैंने बारीक काट लिया है, और आधी इंच अदरक का टुकड़ा इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, एक बिल्कुल छोटा सा प्याज इसे भी मैंने बारीक काट कर रखा हुआ है। इसके बाद स्वाद के अनुसार नमक लेंगे, बिल्कुल ज़रा सा चीनी, करीब 1/4 टीस्पून, लेकिन ये ऑप्शनल है, और एक छोटी चम्मच सोया सॉस और एक चम्मच तेल लेंगे। अब चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें करीब आधा कप पानी डालेंगे और इस पानी में हम ये सूखी हुई लाल मिर्च डाल लेंगे, और मिर्च डालने के बाद इस टमाटर को भी डालेंगे इसी में, लेकिन इसे डालने से पहले थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कट लगा देते हैं ताकि इसका छिलका निकालने में आसानी हो जाएगी, और इन दोनों टमाटर को भी इस मिर्च में ही डाल लेते हैं। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है मैंने और इसका ढक्कन बंद कर देंगे। इसमें अच्छी तरह से स्टीम बनने देते हैं। स्टीम बन जाने के बाद हम टमाटर को पहले निकाल लेंगे। स्टीम बन गई है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और पहले टमाटर को निकाल लेंगे, उसके बाद मिर्च में एक सीटी हम लगाएंगे। तो स्टीम निकल चुका है, अब इसे खोलकर पहले टमाटर को निकाल लेते हैं। टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया है, इससे ज़्यादा हमें टमाटर को नहीं गलाना है। और इस मिर्च में हम एक सीटी और लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए, पीसने वक्त बहुत ही आसानी हो जाएगी
और इसका टेस्ट भी इससे काफ़ी बढ़ जाएगा। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इस टमाटर को हम छील लेते हैं, ये ठंडा हो चुका है। इसे छीलने के बाद हम इसे टुकड़ों में काट लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल को गर्म होने देंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे ये लहसुन की कलियाँ जो कटी हुई हैं, और अदरक के टुकड़े भी डाल लेते हैं। इन दोनों को थोड़ा सा भून लेंगे और इसके बाद इसी में हम प्याज भी डाल लेंगे। अब इन सबको हल्का कलर चेंज होने तक भूनेंगे, और जब इसका कलर हल्का चेंज होने लगे तो इसमें डालेंगे अपना ये कटा हुआ टमाटर जो हमने रखा हुआ है, और इन सबको अब करीब 1 मिनट भूनेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद हम इसी में डालेंगे वो मिर्च जो हमने उबाल कर रखा हुआ है। इसे खोलकर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, पानी इतना इसमें होना चाहिए कि ये चटनी में यूज़ हो जाए। तो इन सभी को हम डाल लेते हैं इसी में, हमारा पानी इसमें यूज़ हो जाएगा ये मिर्च वाला। अब इन सबको इसी में थोड़ी देर भूनेंगे जब इसका एक्स्ट्रा पानी थोड़ा सा सूख ना जाए। और इसी में सोया सॉस डाल लेते हैं 1 छोटी चम्मच, एकदम ज़रा सा चीनी, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। और स्वाद के अनुसार नमक भी डाल लेंगे। इस तरह छौंकने से चटनी का टेस्ट बहुत ही अल्टीमेट होता है फ्रेंड्स। और इसमें का पानी हम थोड़ा सा सूखने देते हैं, इसके बाद हम गैस को बंद करेंगे। अब इस स्टेज पे आके हम गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद इसे हम पीस लेंगे। मोमोज चटनी अब बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आप पराठे के साथ, समोसे के साथ, पकोड़े के साथ या फिर मोमोज के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। आप इसे एक बार बनाकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, 7 से 8 दिन तक आराम से चलेगा ये। मैं थोड़ा सा चक्कर देखती हूँ कैसा बना है। बहुत ही टेस्टी बना है ये, बहुत ही स्पाइसी है। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें फ्रेंड्स, मुझे खुशी होगी। और मिलती हूँ कोई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।